हेदा लवीज हव यू ऑल कैसी है मेरी लवीज आनवी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना सेवेंथ दिसंबर गाइज आप लोगों ने जैसे कि मेरी स्टोरी देखी होगी कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू जयपुर जी हाँ क्योंकि तीन से चार दिन का मेरा टूर रहेगा जहाँ पर मैं यू नो जयपुर विज़िट करने वाली हूँ फंक्शन है फैमिली फंक्शन है साथ ही साथ दिल्ली बहुत ख्वाहिश है कि अब मैं वहाँ जा रही हूँ जयपुर तक तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना तो बनता है सो एट नाइन्थ टेंथ राइट ये तीन दिन मैं जयपुर में, में रहूँगी और शायद से एलेवेंथ को मैं वापस आ जाऊँगी कोशिश पूरी रहेगी तो सारे YouTube वीडियोस आएंगे ही आएंगे मैंने सारी रीडिंग्स डेट वाइज बनाई है तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे जो डेली रीडिंग्स मैं करती हूँ ना स्पेसिफ़िकली जिस दिन मैं वीडियोस यू you नो know, वहाँ जयपुर में रहूँगी नहीं बना पाऊँगी तो मैंने डेट वाइज़ वीडियोस बनाए हैं शफल करते हुए मैंने डेट्स मैंशन करी हुई हैं तो रीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सारे वीडियोस टाइम टू टाइम आने वाले हैं यूट्यूब पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा चाहे मैं कहीं पर भी क्यों ना हूँ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसल्टेसन्स में मेरा तीन दिन का ब्रेक रहेगा आठ नौ और दस का और फिर 11-12 तारीख को है 12 ट्वेल, ट्वेल्थ पोर्टल तो मैं रिचुअल्स में बिजी रहने वाली हूँ तो कंसल्टेसन्स थर्टीन से शुरू हो जाएगी तो ये दिसंबर का मंथ थोड़ा मेरा ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहेगा तो आप लोग को हो सकता है कंसल्टेशन में थोड़ा डिले हो ठीक है बाकी सारी रेमिडीज़ वीडियोस में यूट्यूब पर पोस्ट करने वाली हूँ तो यहाँ पर कोई चीज़ मिस नहीं करूँगी इंस्टाग्राम पर भी पूरा अपडेट मैं देती रहूँगी कहाँ जा रही हूँ जयपुर में कहाँ घूम रही हूँ किस जगह जा रही हूँ तो आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आज है सात दिसंबर चेक करते हैं डिवाइन का सेवन्थ दिसंबर को क्या एक संकेत है मैसेज है कल रात मैंने ट्वेल्थ ट्वेल्व पोर्टल का वीडियो पोस्ट कर दिया है बिल्कुल भी मिस ना करें और रेमडीज़ ज़रूर कर लें चलिए डिवाइन गाइड करें सेवन्थ ऑफ डिसम्बर क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए सेवन ऑफ डिसम्बर क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए सेवन ऑफ डिसम्बर क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए और आठ तारीख को है एकादशी दस तारीख को है प्रदोष सारी चीज़ें वीडियो में मेंशन कर दी है तो प्लीज़ आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं अपना यहाँ हंड्रेड परसेंट देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कोई भी गलती हो जाती है मुझसे तो माफ़ करिएगा लेकिन मुझसे जितना बन पड़ रहा है आई एम डूइंग माई हंड्रेड प्लीज़ डिवाइन गाइड करें सेवन्थ दिसंबर मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा है सात दिसंबर क्या लेकर आ रहा है कौन से चेंजेस बदलाव लेकर आ रहा है सेवन दिसंबर 2023 ट्वेंटी दिसंबर 2023 क्या मैसेज आ रहा है दैट इज़ मेरे व्यूवर्स के लिए सारे कार्ड्स हम निकाल लेंगे उसके बाद एक एक करके सब कुछ समझेंगे सबसे प्यारी डेक है ये जो क्लियर मैसेजेस देती है और इंडिकेशन बताती है कि क्या करना है कैसे करना है कैसे चीजों को डील करना है लेट्स डिवाइन का क्या संकेत है एंड बॉटम डेक वी हैव फायर ओके आज ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पुराना दोस्त आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है राइट right? वो मेल हो सकता है वो फीमेल हो सकता है कोई ना कोई पुराना दोस्त जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बातचीत बहुत समय से नहीं हो रही है क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो आपका एक दोस्त आपके बारे में आज बहुत सोच रहा है और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है जितने भी ये सारी सिचुएशंस चल रही हैं डिवाइन का क्लियर मैसेज है दैट इज कहीं ना कहीं से आपको अपने आस के एनवायरमेंट से बचना पड़ेगा लोग आपके सामने बहुत अच्छे बन रहे होंगे लोग आपके सामने बहुत अच्छा दिखा रहे होंगे लेकिन वो आपके साथ किसी न किसी मकसद से आज आने की कोशिश करेंगे तो अगर आपके पास कोई आ रहा है कोई आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो किसी पर भरोसा ना रखें या किसी पर ज़्यादा भरोसा ना बनाए ये एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान देने की ज़रूरत है ये एक चीज़ पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जितनी कोशिश कर सकते हैं अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दें आज ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े मुझे डिप्रेस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं बहुत सारे लोग मुझे एक डिप्रेस्ड एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं या तो बहुत सोच रहे हैं या चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं जिसकी वजह से भी इशू हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है आज का दिन देख कर डिवाइन का मैसेज ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे सारे हर्डल्स सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे आपको एक क्लियर थिंकिंग बनानी पड़ेगी मे भी हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट होने की कोशिश करेंगे कुछ लोग आपको उनका नेगेटिव बिहेवियर दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप चिंता मत करिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो सारी चीजें आएंगी जो आपने डिजायर करी है जो आपने सोची है अगर आप वर्क प्रोफेशन की भी बात करी जाए तो यू you नो know, अपनी एनर्जीज में रहिए किसी के प्रति ना ज्यादा प्यार ना ज़्यादा हेटरेट बनाकर चलें मे बी पॉसिबल सामने वाला पर्सन अपना बहुत अग्रेशन दिखाएगा वो बहुत गुस्सा दिखाएगा वो बहुत अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा बट वहीं अगर आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट यू आर गोइंग टू गिव हंड्रेड परसेंट इन एवरीथिंग डैट यू डू तो थोड़ा आज अपने एटमोस्फेयर अपना एनवायरमेंट पर ध्यान दें मे बी पीपल विल रिएक्ट नेगेटिव पीपल विल से एनी थिंग रबिश बट उस चीज़ पर फोकस नहीं करना है ज्यादा से ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखना है अपनी एनर्जीज पर ध्यान देना है और एक सबसे क्लियर मैसेज ये आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी बनाने की कोशिश करिए थोड़ा अपने माइंड को क्लियर रखने की कोशिश करिए अगर आप माइंड को क्लियर रखोगे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अगर माइंड पर वर्क करोगे बदलाव दिखेंगे अगर आप फ्रस्टेटेड फील करोगेटिव फील करोगे डाउन फील करोगे आप के लिए और ज्यादा नेगेटिव होगी तो ये जितने भी लोग आज आपको नेगेटिव बना रहे हैं पोक कर रहे हैं इनको छोड़ना एट द एंड ऑफ द डे डिवाइन वही देने वाले हैं जो आप डिजायर कर रहे हो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान दें ओवरथिंकिंग ना करें और जो चीजें जैसी चल रही है उसको चलने दें क्योंकि धीरे-धीरे सारे ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस हर्डल्स खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं सो so, आज के दिन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट जो बातें बताई उस पर ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव फील करिएगा पॉजिटिव रहिएगा अपना ख्याल रखिएगा खुद से बहुत प्यार करिएगा मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ बारह बज के बारह मिनट पर आठ बजे रात के तो बिल्कुल भी वीडियोस मिस ना करें सेकंड चैनल पे मैं भी रिसेंट पे शॉर्ट्स पोस्ट कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा बट अब कोशिश कर रही हूँ अल्टरनेट डेज़ में आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ जिसमें मैं रात की एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि इस चैनल पे यूजुअली मैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जीज़ आफ्टरनून एनर्जीज पर ज़्यादा फोकस करती हूँ तो सेकेंड चैनल पर भी मैं वीडियोज़ अब पोस्ट कर रही हूँ तो आप उसे भी चेक करना ना भूलें अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा राधे राधे